नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्ता का सेमीफाइनल और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। मध्य प्रदेश में ओवैसी की एंट्री हो चुकी है और मध्य प्रदेश की 7 निकायों में चुनाव लड़ेगी AIMIM और इंदौर, भोपाल, जबलपुर, खरगोन में अपने प्रत्याशी उतारेगी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी। बुरहानपुर, खंडवा, रतलाम में भी चुनाव लड़ा जाएगा, यानी कि मध्य प्रदेश की 7 निकायों में चुनाव लड़ेगी AIMIM और इंदौर, भोपाल, जबलपुर, खरगोन में अपने प्रत्याशियों को उतारेगी। बुरहानपुर, खंडवा, रतलाम में भी अपने कैंडिडेट्स को उतारा जाएगा और मध्य प्रदेश का ये चुनाव, निकाय चुनाव अपने आप में बेहद दिलचस्प होगा। और ऐसे में MP में ओवैसी की एंट्री अब हो चुकी है तो बुरहानपुर, खंडवा, रतलाम में भी अपने प्रत्याशियों को AIMIM के द्वारा उतारा जाएगा और इसमें इंदौर, भोपाल, जबलपुर, खरगोन भी यहां पर प्रत्याशियों को उतारा जाएगा। सोलह नगर निगमों में प्रत्याशी चयन के लिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों में कवायद जारी है, लेकिन कांग्रेस ने कई नगर निगमों के प्रत्याशियों के नाम लगभग तय कर लिए हैं तो वहीं बीजेपी में अभी भी प्रत्याशियों के नाम पर मंथन चल रहा है। एक रिपोर्ट आप देखिए। नगरीय निकाय के चुनाव का बिगुल बज गया है और दोनों ही दल इस चुनाव की तैयारी में लग गए हैं। बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ही दल 16 नगर निगमों में प्रत्याशी के चयन को लेकर बैठकें कर रहे हैं, लेकिन प्रत्याशियों को फाइनल करने के मामले में कांग्रेस बीजेपी से थोड़ा आगे खड़ी दिखाई दे रही है और यही वजह है कि कांग्रेस संगठन ने कई नेताओं को प्रचार शुरू करने के संकेत दिए हैं। बीजेपी में अभी भी प्रत्याशियों के नामों पर मंथन चल रहा है। कुछ जगहों पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ भी बातचीत कर नाम तय करने की कवायद की जा रही है। कांग्रेस ने इंदौर से संजय शुक्ला, भोपाल से विभा पटेल, उज्जैन से महेश परमार, सागर से निधि जैन, छिंदवाड़ा से सुनील उइके, ग्वालियर से शोभा सिकरवार, सतना से सिद्धार्थ कुशवाहा, बुरहानपुर से लक्ष्मी यादव का नाम लगभग तय है। बीजेपी अभी तक महापौर के लिए एक भी नाम तय नहीं कर पाई है। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर में बीजेपी को ज्यादा समस्या आ रही है। विधायकों को चुनाव न लड़ाना बीजेपी के लिए समस्या है। नेताओं के परिवार के व्यक्ति को टिकट ना देना भी समस्या बन रही है। हमारे यहाँ तो कार्यकर्ता चुनाव लड़ता है और एक नहीं, हमारे कई कार्यकर्ता इस योग्यता के हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने पद्धति के अनुरूप हर प्रकार के मंथन के बाद कौन कार्यकर्ता आज के समय के अनुकूल नगर निकाय के, नगर पालिका के, नगर निगम के, नगर पंचायत के लिए उपयोगी होगा, इस दिशा में हमारा मंथन, विचार मंथन, हमारी जो टीम है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो टीम स्पिरिट से काम करती है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि प्रत्याशियों को लेकर हर स्तर पर चर्चा हो चुकी है, जल्द ही नाम सामने आ जाएंगे। चुनाव के लिए तैयारी चल रही है, दावेदारी तो सब करते हैं, टिकट एक को मिलेगा, अंत में हमें संगठन की रक्षा करनी है, किसी व्यक्ति की रक्षा नहीं करनी। इस आधार पर सब टिकटें, सब बोर्ड तो मैं बारीकी से देख नहीं सकता, पर जहाँ तक मेरा प्रयास है कि जो सोचे उसके साथ अन्याय हो रहा है, मैं उस पर जरूर कहूँ कि पुनर्विचार किया जाए। कांग्रेस में कमलनाथ को सबसे सलाह लेकर प्रत्याशियों का निर्णय करना है। यही कारण है कि कांग्रेस में जल्दी निर्णय हो रहे हैं। बीजेपी में इस बार कई स्तर पर निर्णय की प्रक्रिया चल रही है, जिससे महापौर प्रत्याशी के लिए नाम तय करने में देरी हो रही है। भाजपा और कांग्रेस दोनों में नगरीय निकाय चुनाव में महापौर के लिए प्रत्याशी चयन की कवायद चल रही है। कांग्रेस हालांकि इस मामले में आगे दिखाई दे रही है। कांग्रेस में कई सीटों के लिए प्रत्याशी तय हो गए हैं, हालांकि उनके नाम की अभी घोषणा नहीं हुई है, लेकिन उन प्रत्याशियों को ये संकेत कर दिया गया है कि वो अपना प्रचार प्रारंभ कर दें। भाजपा में इसके लिए अभी कवायद चल रही है। भारतीय जनता पार्टी में कई नेता हैं और अलग अलग स्तर पर बात चल रही है, इसीलिए अभी किसी सीट के लिए महापौर का नाम तय नहीं हुआ है। हालांकि भाजपा का कहना है कि वो सामूहिक निर्णय लेती है, इसलिए जल्दी इस बारे में निर्णय किया जाएगा, लेकिन कांग्रेस इस मामले में चुनाव प्रचार में आगे निकलती दिखाई दे रही है। बिरला सभा के साथ नितेंद्र शर्मा, न्यूज़ स्टेट, भोपाल।